हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा ज्योमेट्री का फोर्थ चैप्टर, दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें टोटल दो एक्सरसाइज है, 4.1 4.2। 4.1 का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। इसके पीछे का रीजन तुम लोग खुद से जजमेंट ले लोगे, क्योंकि तुम लोग अभी फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुके हो, अभी तुम लोग को मेरा फ्लो पता चल गया है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये मत देखो, ये वो चीज़ है जो 4.1 में चार क्वेश्चन दिया रहेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लिख के दिए हैं। अब इससे पहले, मैं चालू करने से पहले कुछ बेसिक्स हो जाए यार, कुछ बेसिक्स हो जाए। टॉपिक का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर आया मतलब दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर का मतलब क्या है? एक ट्रायंगल छोटा होगा, एक ट्रायंगल बड़ा होगा। इट माइट बी है कि दोनों सेम साइज के हो, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे ये कि एक ट्रायंगल छोटा होगा, एक ट्रायंगल बड़ा होगा। ये क्लियर रहेगा? चलो यहाँ पर मतलब एक ट्रायंगल जैसा शेप इसका रहेगा, वैसे शेप इसका रहेगा, जिसका जैसा साइज इसका है, इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा रहेगा। सिमिलर वाले में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बट स्टिल नहीं देखा रहेगा कोई तकलीफ नहीं, अगर वीडियो को टाइम मिला तो वो वीडियो देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के मतलब सर, यहाँ पर मैंने लिखा इसको टाइप वन। अभी देखो, सिर्फ इतना चीज समझना, दो टाइप के क्वेश्चन है बस, एक टाइप वन और एक टाइप टू। अब ये टाइप वन क्या है, टाइप टू क्या है, ये देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? नो अल्फाबेट इज कॉमन। सर समझा नहीं, एक मिनट। और यहाँ पर क्या लिखा है? वन अल्फाबेट इज कॉमन। एक काम करते, इसके बारे में बात कर लेते। जब चार क्वेश्चन दिखेगा, चार क्वेश्चन दिखेगा तो प्लीज, अच्छा टॉपिक का नाम क्या है? सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ना, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। लेकिन बट गाइस, इसको इसको और इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो, कोई अल्फाबेट कॉमन है क्या? ए कॉमन है क्या? नहीं। बी कॉमन है क्या? नहीं। सी कॉमन है क्या? नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है एल कॉमन है? नहीं। तो ये कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे इसमें देखो, थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, आर कॉमन है क्या? नहीं। एस कॉमन है? कॉमन मतलब दिखता है क्या, दोनों जगह सेम दिख रहा है क्या? नहीं। टी कॉमन है क्या? नहीं। ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं रहेगा, देख लो ना खुद से। एक्स कॉमन है क्या, वाई कॉमन है क्या, जेड कॉमन है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई कॉमन नहीं है। एग्री कर रहे हो? नाउ सेकंड और फोर्थ के बारे में देख लेते हैं। सेकंड और फोर्थ के बारे में, यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल एल टी आर। ध्यान से देखो, पी कॉमन है क्या? नहीं। क्यू कॉमन है क्या? नहीं। आर कॉमन है? यस। ध्यान से देखो, इसको क्या किया? आर। मतलब ये कौन से कैटेगरी में आएगा, टाइप वन में या टाइप टू में? टाइप टू में। ग्रेट गाइस, बहुत सही। मतलब तुम लोग इतना जजमेंट लेना, पहले जजमेंट लेना टाइप वन है या टाइप टू है, उसके बाद डायग्राम बनाना है। तो गाइस जैसे आप फोर्थ वाले में देख लो, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, चलो बताओ। ए एम टी ए एच ई क्या कॉमन है? चलो बोलो, देख के बोलो। ग्रेट, ए कॉमन है। तो इसका मतलब ये भी कौन से टाइप में आया, टाइप टू। इसका मतलब 4.1 में टोटल चार क्वेश्चन में दो क्वेश्चन टाइप वन के हैं, दो क्वेश्चन टाइप टू के हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप वन, अच्छा ये वीडियो का देखो पहली बता देता हूँ, इसका भविष्य कैसे रहेगा ये वीडियो का। मतलब कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो बता देता हूँ गाइस, इसको मैंने पेपर पे भी पढ़ा है। मतलब पहले मैंने एज ए टीचर जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, और उसके बाद मैं खुद एक स्टूडेंट जैसा फील करके राउंडर वगैरह लेके बैठूंगा और इसी वीडियो में अटैच करूंगा। मतलब मैंने ऑलरेडी शूट कर दिया है, तुम लोग समझ पा रहे हो? वो वीडियो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हो गया, समझ रहे? हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, जैसे स्टूडेंट लोग सीखते हैं वैसे हर एक टीचर भी सीखता रहता है। चलो यहाँ पर, अब तो तुम लोग ने यहाँ पर दो चीज के सीक्वेंस फॉलो करना है, दो सीक्वेंस। मतलब यहाँ पर ये कौन सा है, ये टाइप वन है, ये क्या है, टाइप वन, और ये क्या है, टाइप वन है, इतना तो क्लियर हो गया। और ये क्या है, टाइप टू है, ओके। और ये क्या है, टाइप टू है। टाइप टू कैसा, पहला स्टेप ये रहेगा कि तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए टाइप वन है या टाइप टू है, इतना चीज क्लियर रहेगा। अब देखना ये कि अच्छा टाइप वन हुआ तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, टाइप टू होगा तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो मैं हर एक चीज पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर नो अल्फाबेट इज कॉमन ना, तो एक ट्रायंगल छोटा होगा, एक ट्रायंगल बड़ा होगा, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो पहला ट्रायंगल समझो ये रहेगा, दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल समझो ये रहेगा। बोलो ये क्लियर रहेगा? अरे बोलो यस सर नो। मतलब यहाँ पर कोई अल्फाबेट कॉमन नहीं है, तो कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं होता दिखेगा। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, यस सर नो एवरीवन, ओके। यहाँ पर क्या रहेगा, वो बात की बात है। पहला चीज तो ये, यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। बट सर हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा दोनों में से ट्रायंगल? देखो एक ट्रायंगल ए बी सी होगा, ए बी सी, तो ये दूसरा वाला क्या होगा, एल एम एन।
या फिर ऐसा बोल सकता हूँ एल एम एन होगा तो दूसरा वाला क्या होगा ए बी सी। तो सर हम लोग जजमेंट कैसे लेंगे, कौन सा ट्रायंगल छोटा है कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। एग्री कर रहे हो तुम लोग, उसके लिए वेट करो। यहाँ पर देखना, नो वन अल्फाबेट इज कॉमन, नो वन अल्फाबेट इज कॉमन मतलब एक ट्रायंगल रहेगा। यहाँ पर देखना, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर इसके अंदर ही एक दूसरा ट्रायंगल रहेगा। मतलब देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल, प्लीज एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटू सा, छोटू सा मतलब ये वाला ट्रायंगल दिखता रहेगा। एक ट्रायंगल कौन सा, ये छोटा सा, और एक ट्रायंगल क्या है बड़ा सा, एक के अंदर एक ही रहेगा दिख रहा है, एक के अंदर दूसरा रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रायंगल दो आएगा। लेकिन एक चीज़ पहले भविष्यवाणी बता देते अपन, भविष्यवाणी ये है कि भाई अभी अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ये आ गया पॉइंट, ये मेन क्वेश्चन हर एक बच्चे के माइंड में आना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर कौन सा ट्रायंगल बड़ा है कौन सा ट्रायंगल छोटा है ये हम लोग को रेशियो बताएगा। क्या किसी ने नोटिस किया, जितने भी चारों क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं रेशियो दिया है, कहीं ना कहीं मुझे क्या दिया है रेशियो, कहीं ना कहीं मुझे क्या दिया है रेशियो। तो इसका मतलब सर ये कैसे मालूम पड़ेगा, रुक जाओ, उससे पहले और एक चीज़ बात कर लेता हूँ जो भविष्यवाणी बताने का था कि ये जो दिख रहे हैं इसमें ये वाला पॉइंट मुझे पहले से ही पता है, ये वाला पॉइंट मुझे पहले से पता है, वो कुछ और नहीं वो सिंपल जो कॉमन पॉइंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो सेकंड वाले सब में देखो आर कॉमन है तो इसका मतलब इधर क्या आएगा आर, अच्छा फोर्थ वाले सब में क्या कॉमन है ए तो यहाँ पर क्या आएगा ए। अब मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को भविष्यवाणी बताता हूँ क्या सीन है, कौन सा ट्रायंगल बड़ा है कौन सा ट्रायंगल छोटा है। इसके लिए तुम लोग को सिंपल एक काम करना है, ये रेशियो को देखो, ये रेशियो को देख लिया तुमने, ये रेशियो को देखो यहाँ पर क्या लिखा है बीसी के सामने फाइव है। प्लीज डोंट थिंक कि बीसी का वैल्यू फाइव है, नहीं बीसी का वैल्यू कुछ और है। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा एमएन का, देखो एमएन के सामने क्या क्या है फोर, किसका वैल्यू बड़ा है, किसका वैल्यू बड़ा है बीसी का या एमएन का। देखो बीसी का बड़ा है, बीसी क्या है बड़ा है। अब बीसी कौन सा ट्रायंगल का है, एबीसी का या एलएमएन का है, एबीसी। तो इसका मतलब एबीसी क्या है बड़ा है। एक बार वापस बात कर रहा हूँ, ये दोनों में बड़ा कौन है, देखो बड़ा कौन है फाइव, फाइव मतलब किसका बीसी, बीसी किसका है एबीसी, मतलब एबीसी क्या रहेगा बड़ा। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, डायग्राम कैसे बनेगा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर क्या रहेगा छोटा छोटा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ए के सामने एल होना चाहिए, बी के सामने एम होना चाहिए, सी के सामने एन होना चाहिए। तो इसका मतलब एल एम एन, पहले का मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, रफ फिगर है ये पहले वाले का। नाउ सेकंड वाले का बात कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम, एग्जाम में रफ फिगर बनाना होता है। हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड वाले ऐसे बच्चे जो पहले रियल डायग्राम बनाने के बाद, रियल डायग्राम को देखने के बाद हम लोग रफ फिगर बनाते, पूछ लो अपने आप से नाइन्थ और टेंथ में ऐसे कर रहे हैं हम लोग अभी भी। यहाँ पर पहले रफ फिगर, ये जजमेंट होता है। अब देखो सेकंड वाले सब में, सेकंड वाले का छोड़ो, ये देखो थर्ड वाला टाइप वन है ना, तो यहाँ पर आर एस और एक्स वाई बोलो बड़ा कौन है, आर एस बड़ा है या एक्स वाई बड़ा है, एक्स वाई बड़ा है। सो आर एस और एक्स वाई में बड़ा कौन है, एक्स वाई बड़ा है। देखो एक्स वाई का वैल्यू क्या है फाइव, फाइव मतलब क्या आएगा एक्स वाई। अब एक्स वाई मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है या ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, मतलब एक्स वाई जेड क्या रहेगा बड़ा रहेगा। मतलब सर अभी कैसा भी बनाओ बड़ा ट्रायंगल जो रहेगा ना एक्स वाई जेड रहेगा, और छोटा ट्रायंगल क्या रहेगा, छोटा ट्रायंगल क्या रहेगा यहाँ पर, छोटा ट्रायंगल क्या रहेगा एक्स वाई जेड हो गया। तो दूसरा वाला क्या रहेगा आर एस टी, देखो एक्स के सामने आर, एस के सामने वाई, टी के सामने जेड, ये ऐसा फ्लो करना है। तो ऐसे तुम लोग नाम लिख सकते हो खुद से, ये मैं ओवर भी दे रहा हूँ खुद से समझो, एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर कहेगा आर एस टी। रफ फिगर जरूरी होता है एग्जाम में, अगर चार में से चार चाहिए, तीन में से तीन चाहिए, तो तुम लोग का रफ फिगर बनना जरूरी होता है। तो ये हो गया इसका टाइप वन का। टाइप टू के बारे में बात करते हैं, टाइप टू यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन रहेगा और यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर वन और एग्जाम्पल नंबर थ्री। ऐसा करते हैं हम लोग, मतलब ये वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे गाइस, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तुमको कुछ ना है, मैंने बोला ना मैं बोर्ड पे भी करूँगा ऑन पेपर भी करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सेकंड वाला सम देखते हैं, सेकंड वाला सम पहले तो यहाँ पर सेकंड वाले सम में ऐसा बना लेते हैं। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या मालूम है, तुम लोग को एक पहले ही बात बता देता हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा पैरेलल। पहले ही मैं बता देता हूँ कि ऐसा चीज अपन करने वाले, बोलते ना यार ओवरव्यू होना जरूरी है, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाले ये भी पता होना चाहिए। अच्छा ट्रेनिंग में अपना क्या मेजर करेंगे, अपना चेस्ट मेजर करेंगे, अपना हेयर कैसा होना चाहिए, ये हम लोग पहले ही करके जाते हैं। ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए पहले ओवरव्यू लेना जरूरी होता है, वैसे ही बात कर रहा हूँ बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते ना बड़ा बड़ा, तो उसके पहले एक छोटा मोटा टेस्ट भी देना जरूरी होता है। तो यही चीज़ है, इसको बोलते हैं यार ओवरव्यू ले रहे हैं। चलो ऐसा सीन है, यहाँ पर सेकंड वाले में क्या है, पी क्यू आर
LTR देख के मालूम पड़ रहा है R क्या है, R क्या है कॉमन है, मतलब यहाँ पर एक के अंदर एक रहेगा, मतलब R क्या रहेगा कॉमन। अब दो ट्रायंगल है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, सर कैसे मालूम पड़ेगा? सोचो बच्चा एक चीज़ में तुम लोगों को फ्रीली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तुम लोगों का आंसर क्या है, छोटा बड़ा कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर छोटा बड़ा ट्रायंगल कौन डिसाइड करता है? छोटा बड़ा ट्रायंगल हमेशा रेशियो डिसाइड करता है, हमेशा रेशियो डिसाइड करता है, ऐसा लिखो डिसाइड करता है। जब तुम लोग ये सब चीज़ लिखोगे ना तो ऐसा लगेगा मुझे कि यार चलो मेरे कुछ बच्चे तो ज्वाइन हो चुके, मतलब फ्रेंड सेकंड में थे, कुछ बच्चे तो कमेंट करते सर क्या है प्राइवेट क्लास। एक्चुअली मैं प्राइवेट क्लास नहीं लेता गाइस, प्राइवेट क्लास नहीं लेता मैं, ठीक है? जो भी है तुम लोग को लोकेशन दे देता हूँ, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लो, उस क्लास से मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, अपना कुछ बड़ा प्रॉपर्टी प्राइवेट क्लास नहीं है। चलो छोटा बड़ा ट्रायंगल हमेशा रेशियो डिसाइड करता है, बरोबर है? मतलब कौन सा छोटा होगा कौन सा, हमेशा रेशियो, या पर ट्रायंगल हमेशा रेशियो डिसाइड करता है। नाउ गाइस अब ये तो मालूम पड़ गया आर कॉमन है, छोटा, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा समय सेकंड, यहाँ पर बताओ पी क्यू और एल टी में बड़ा कौन है, तीन है या चार है? चार बड़ा है, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? एल टी, बड़े वाले ट्रायंगल में एल टी, एल टी मतलब कौन सा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, तो आर तो है, अब लिख दो एल और यहाँ पर लिख दो टी, मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या है? एल टी आर, तो दूसरा वाला क्या रहेगा? पी क्यू आर, तो यहाँ पर पी क्यू आर, ऐसा डिसाइड करना है, ये चीज़ समझना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, एल के सामने पी होना चाहिए, टी के सामने क्यू होना चाहिए, आर सब जगह कॉमन रहेगा। अब फोर्थ वाले का भी ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि अपना पूरा फंडा क्लियर रहेगा, कुछ भी तकलीफ नहीं। सेम थोड़ा छोटा बना देता हूँ डायग्राम, इससे पैरेलल ही बनाना। अच्छा कॉमन है क्या कुछ? कॉमन है, हाँ ए कॉमन है, ठीक है सर। बताओ कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा गाइस, बताओ जरा, ए एम या ए एच, बताओ बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? सात, सात के सामने क्या है? ए एम, ए एम किसमें है? इसमें है, इसमें, इसमें, मतलब ए एम टी, बराबर है ये चीज। तो छोटा वाला क्या रहेगा? ए एच ई, ए एच इधर लिखो या ऊपर लिखो? ऊपर या नीचे? ऊपर, क्यों सर? एम के सामने आना चाहिए, एम के सामने एच आना चाहिए, बराबर है? ए एच ई, तो यहाँ तक तो अपने को क्लियर हो गया है गाइस। सुनो अब तुम लोगों है ना, ये सब चीज़ लिखना या नहीं लिखना ऐसा मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये लिखना, वीडियो पॉज करो, टाइम लो, लेकिन अपने आप को समझो जरा कि ये टाइप वन क्या है, टाइप टू क्या है, कैटेगरी वन क्या है, कैटेगरी टू क्या है, छोटा बड़ा एक के अंदर एक ट्रायंगल कब आता है? जब कॉमन रहेगा। ये दो अलग अलग ट्रायंगल कब बनेगा? जब कोई कॉमन नहीं रहेगा। और ये चीज़ समझना है तुम लोगों को, करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, ये छोटा बड़ा जो ट्रायंगल है कौन डिसाइड करता है? रेशियो। ये हो गया अपना ओवरव्यू, अब चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन। सो गाइस अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन, और देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एलिमेंट से, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी का कुछ तो डेटा दिया है, बी सी का कुछ तो डेटा दिया है, सी ए का कुछ तो डेटा दिया है, ठीक है? ये डेटा से ही अपने को देखना है क्या एक्चुअली है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एलिमेंट। अच्छा एक चीज़ तो पहले पता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। अगर सिमिलर है तो तुम लोग को इतना क्लिक होना चाहिए कि सिमिलरिटी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का है। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या चीज है, जो एक चीज मैंने नहीं बताया वो जानबूझ के, ताकि तुम लोगों को समझे। पहले मुझे बताओ ये टाइप वन है या टाइप टू है? टाइप वन है। कैसे मालूम पड़ा सर? बाजू में लिखा। ए ऐसा नहीं करना यार, ऐसा नहीं करना, कोई अल्फाबेट कॉमन नहीं है, टाइप वन है, इसका मतलब दो ट्रायंगल अलग अलग बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। सर कैसे मालूम पड़ेगा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है? ये रेशियो देख लो, अभी बात हुआ था अपना, क्या है? बी सी के सामने क्या है? फाई, मतलब ये जो है बी सी जहाँ पर भी होएगा, जो भी ट्रायंगल में बी सी होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर बी सी कौन सा? ये वाला है, तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ये रफ फिगर है, ये रफ फिगर है अपना, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर ए बी सी, ये अपना रफ फिगर रहेगा, बरोबर है यहाँ पर? ओके, तो इसके करस्पॉन्ड है ए के सामने एल, बी के सामने एम, सी के सामने एन, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल आता रहेगा, बरोबर है? यहाँ तक नाम लिख देते हैं एल एम एन, ठीक है? ये ट्रायंगल अपने को बनाना है, लेकिन कैसा स्केल से ऐसा मारने का माप लेके ऐसा नहीं करने का, कंस्ट्रक्शन है, मतलब तुम लोग कुछ ना राउंडर डी ये सब यूज़ होना लगेगा, मतलब यूज लगेगा। अब यहाँ पर देखो, अब ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू क्या दिया है? 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? बी सी का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, ओके, सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात तो एक ही, कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। नाउ ये ट्रायंगल तो चलो बन जाएगा, क्योंकि तीनों साइड दिए हैं, तो इसका क्या? इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आंसर इज नो। तो अब क्या करेंगे? सिंपल है, तुम लोगों को क्या करना मालूम है? इसको फाइंड आउट करना है। हाँ फाइंड आउट, ये तो आपने बताया नहीं गाइस, टाइप वन में जो ऊपर लिखा ना उसके ऊपर लिखो, इन टाइप वन वी हैव टू डू
दी कैलकुलेशन, अपने को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत अच्छा है, इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से आंसर आता है। तो गाइज यहाँ पर मुझे लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर कोई एंगल दिया है क्या? नहीं, तीनों साइड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, तो अपन को भी ये तीनों का साइड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है। अगर इधर दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा तो इसका भी दो साइड और एक एंगल का इन्फॉर्मेशन निकालना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अभी चलो देख लेते हैं, ये लिखा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एलिमेंट्स है। अब तुम लोग को ये मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब सर देखो एबी अपॉन एलएम का वैल्यू किसके इक्वल होता है? बीसी अपॉन एमएन के इक्वल, और ये किसका है? एसी बोलो या सीए बोलो, एसी अपॉन व्हाट? एलएन, बराबर। इसके पीछे रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बस इतना लिखने का, और प्रोपोर्शनल लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये होने के बाद, बट एक तो रेशियो दिया है, लेकिन तुम लोगों को पहले बता दिया है बीसी का वैल्यू फाइव नहीं होता, इसके पीछे का भी रीजन मालूम पड़ेगा। बीसी का वैल्यू फाइव नहीं है, बीसी का वैल्यू कुछ और है, 6 सेंटीमीटर। सबर रखो मैं बता देता हूँ, सिर्फ इतना याद रखना ये रेशियो है, ये बीसी का वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन ये इससे मैं जजमेंट ले सकता हूँ कि बीसी बड़ा है या एमएन बड़ा है, बराबर है। ये कोई वैल्यू रेशियो कभी भी वैल्यू नहीं बताता, याद करो 8 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में जब जब रेशियो देते थे तो हम लोग लिखते थे लेट द कॉमन मल्टीपल बी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है। सिंपल वर्ड में बात करूँ, बीसी के सामने 5 है, एमएन के वैल्यू सामने 4 है, तो इट डजंट मीन कि बीसी का वैल्यू 5 होता है, एमएन का वैल्यू 5 होता है, 4 होता है, ऐसा नहीं है। बीसी का वैल्यू कुछ और है, ये दो रेशियो है काटा कुटी हो के ये छोटा बन गया 5/4। अभी मालूम पड़ेगा थोड़ा सा वर्ग को। नाउ बट क्या लिखेंगे? बट एक रेशियो तो दिया है, बट बीसी अपॉन में एमएन का वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है? 5/4। अच्छा, अगर मेरे को बीसी अपॉन एमएन का वैल्यू 5/4 है, इसका मतलब ये भी 5/4 होगा, ये भी 5/4 होगा। एग्री करो सब लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयरफोर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू व्हाट? बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू व्हाट? ए सी अपॉन एल एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 5/4, बराबर। ये चीज अब सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, चलो ए बी का वैल्यू बोल दो, ए बी का वैल्यू क्या है? 5.5, और एल एम नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है। बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी यहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ पर 6/ एम एन, बराबर। ये चीज ए सी का वैल्यू क्या है? ए सी बोलो या सी ए बोलो, 4.5 अपॉन में एल एन इज इक्वल टू 5/4, बराबर। ये चीज अब यहाँ पर तुम लोगों को अगर रीजन लिखना है तो लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ये लिखो ताकि अपने को 4 में से 4, 3 में से 3 पूरा मार्क्स मिले। अब कपल बना दो, ये वाला इसके इक्वल रहेगा, ये वाला इसके इक्वल रहेगा, और बचा हुआ ये इसके इक्वल रहेगा। चलो देयरफॉर व्हाट क्या लिखोगे यहाँ पर? 5.5 अपॉन में एल एम इज इक्वल टू 5/4। अब तुम्हारा टास्क क्या मालूम है? तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलएम निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जिस बच्चे को नहीं आता, मुझे लगता है यार अगर वो सिमिलरिटी चैप्टर या पाइथागोरस देख लिया तो उसको अच्छे से समझ गया रहेगा। सिंपल वर्ड में बात करूँ, जो फाइंड आउट करना, देखो इक्वल टू होता तो सिर्फ वैसा मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। मैंने बच्चों को फील किया यार, मैंने बच्चों को फील किया कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है आज भी, तो ठीक है। एलएम जो है ना, पहले उसको मल्टीप्लाई कर, एलएम इंटू 5 लिखने का, एलएम इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा 5.5 इंटू 4। अब जो फाइंड आउट करना उसके नीचे लिखो ये, और इज इक्वल टू व्हाट? 5.5 इंटू 4, ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड। अब जिस बच्चे को नहीं आता सॉल्व करने के लिए, उसके पास एक आइडिया है, या तो देखो वो डायरेक्टली कट करे, देखो दो ऑप्शन है, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद कट करो या तो डायरेक्टली कट करो। अब साफ साफ दिख रहा 5 1 5 1 0.1, मतलब एल एम का वैल्यू क्या है? 1.1 इंटू 4, देखो 4 1 4, मतलब सिंपल वर्ड में बात करो 4.4 सेंटीमीटर। मीटर कुछ दिया है क्या? हाँ सर, सेंटीमीटर में ही रहेगा, कंस्ट्रक्शन में यूनिट देगा वो। ये क्लियर हो गया। अब जैसे ये बनाया, इसको बिंदी बना दो एकदम मस्त वाला, तो अभी सेकंड कैलकुलेशन क्या है बताओ? ये दोनों का जोड़ी बना दो, क्या लिखेंगे? 6/mn इज इक्वल टू व्हाट? 5/4 दिख रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे सर? सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, mn इंटू 5, mn इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट? 6 इंटू 4, mn के नीचे mn इज इक्वल टू व्हाट? 6 इंटू 4 अपॉन में 5। एग्री करो तुम लोग? अब क्या करेंगे सर? सिंपल है भाई, सिंपल, या तो पूरे को मल्टीप्लाई करके कट कर, या तो पहले कट कर। अब मुझे डायरेक्टली कट होते हुए नहीं दिख रहा, तो एक काम करेंगे, 6 4 24 अपॉन 5। सर ये मुझे नहीं आता। अरे नहीं आता तो तेरा 80 सर है, जिंदा है। 4 20 होता है, यहाँ पर 4 डाल 0 8, तो ये क्या आया? एमएन का वैल्यू क्या है? एमएन का वैल्यू आया 4.8 सेंटीमीटर। बोलो ये क्लियर हो गया? सॉल्व हो गया क्या सब? नहीं, अभी भी कुछ डेटा बाकी है। बोलो कौन सा डेटा बाकी है? कौन सा डेटा बाकी है? इसलिए मैंने लिखा ना इन टाइप 1 वी हैव टू डू दी कैलकुलेशन, अपने को कैलकुलेशन फाइंड आउट करना है। क्यों? एक ट्रायंगल का डेटा देगा, दूसरे ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। तो गाइस ये हो गया। अब इसका 4.4 अपॉन में एल एन इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा?
5 by 4, 5 by 4, ये क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ln into 5, जो बच्चे स्मार्ट रहते हैं ना वो डायरेक्टली करते हैं, ये चीज़ समझो। अपन स्मार्ट नहीं तो कोई तकलीफ नहीं, हम लोग अपने टैलेंट भी नहीं है, अपन एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, टैलेंट को हरा देंगे। बोलते ना यार कभी कभी कि यार हमेशा जो मेहनत होता है ना, एफर्ट्स ऑलवेज बीट्स द टैलेंट, जो मेहनत होती है, समझ रही है, ट्राई करते रहो अपने आप स्मार्ट से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, समझ गए। स्मार्ट नहीं बना लेकिन हाँ अपने को कुछ ना कुछ तो सिखा देगा। गाइस ये मुझे दिखता है 5 1s 5 के टेबल में 45 आता है, लेकिन ये पॉइंट आ जाता है तो क्या 5 9s 45 ना, तो तुम लोग क्या करो 5 9s अभी 45 तो 0.9 लिख दो, सही नहीं समझता तो कोई तकलीफ नहीं, क्या करोगे बोलो 4.5 into 4, 4 5s 20, 4 4s 16, 18 बरोबर है, या 18 divided by 5, सर पॉइंट के बाद जीरो लिखने का नहीं, अब क्या लिखोगे 18 को 5 से डिवाइड करो, 5 3s 3 नंबर 0.06, तो एलन का वैल्यू क्या है 3.6 सेंटीमीटर, ये क्लियर रख लो गाइस, ये क्लियर हो गया। अब चलो टाइम आ गया है कंस्ट्रक्शन का, बस इतना ही कैलकुलेशन, इतना ही कैलकुलेशंस करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है, ये याद रखना। ये अपना जो बना है इसको क्या बोलने का, इसको बोलने का रफ फिगर, इसको क्या बोलने का रफ फिगर, क्या बोलने का रफ फिगर, रफ फिगर। या ऐसा एग्जाम में ऐसा डब्बा बनाओ तो अच्छा दिखेगा, जब डब्बा बनाओगे ना तो प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स मिल जाता है। तो ये देखो एकदम क्लियरिटी रखो तुम्हारे सोल्यूशन में। अब इसका डायग्राम कैसे बनाने का वो देखो यहाँ पर। अब इसके बाद मैं तुम लोगों को ये भी दिखाऊंगा मैं पेपर पे बना के, वीडियो का लेंथ बड़ा बनेगा लेकिन हाँ पूरा डिटो समझेगा। चलो अब मेरे को मिल गया एलएम का वैल्यू, मिल गया एलएम का वैल्यू, मिल गया। अब मैं इसको हटा सकता हूँ, एलएम का वैल्यू क्या आएगा, एलएम का वैल्यू क्या है 4.4 सेंटीमीटर, एमएन का वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पर ये क्या है 3.6 सेंटीमीटर। गाइस कोई भी एंगल दिया नहीं है, मतलब पूरा गेम किस पे राउंडर पे टिका हुआ है। तो सबसे पहले काम करते बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेते, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है ए बी सी, हमेशा ट्रायंगल बनाने का है ना तो सबसे पहले बेस बनना चाहिए। ये बात झूठ है, ये बात गलत है कि हमेशा बेस बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बेस तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, अगर मैंने ए बी सी लिखता तो इसको एल एम एन लिखता, बरोबर है, करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, सिमिलर का मतलब ये होता है। तो अब क्या करेंगे बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो एक काम करते यहाँ पर बना देता हूं BC, ये क्या है BC 6 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, नाम लिख दो, नाम पहले लिखने का नहीं, ये याद रखना। तुम लोग ये लिख सकते हो B और C, इसके अंदर लिखो मत, अगर लिखना है तो अभी लिख दो, कोई रोका टोका नहीं है। अब ये बन गया, अब ऑब्वियसली बी और सी है तो ए ऊपर आएगा या तो ए नीचे बनेगा, अपनी मर्जी, अपने को मालूम है ट्रायंगल में अपना पिरामिड जैसा ऊपर दिखना चाहिए टेकड़ी वाला। तो यहाँ से यहाँ 5.5 सेंटीमीटर, स्केल से ऐसा मेजर मत करना, स्केल से ऐसा मेजर मत करना। अब तुम लोग सोचो, अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, ये स्केल दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पर 1 2 3 ऐसा करके 5 है, ये समझो ये 5 है और 5. क्या बोला 5.5, ये 6 है, 5.5 राउंडर। तुम लोगों को मैं बता दूँ, जो बच्चे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे देखते रहेंगे तो उनको मालूम है, आशीष सर हमेशा ब्लू को पॉइंटर का नीप मानते हैं, मतलब समझ रहा, पॉइंटर का जो वो है ना जिसको पीछे से लगा देते हैं भाई अपने दोस्त लोग को यहाँ पर। और ये मेरा क्या रहता है पेंसिल, ये मेरा क्या है जो ब्लैक वाला है ना, अभी मैं पेपर पे बनाऊंगा टेंशन मत लो, ये मेरा क्या है पेंसिल। तो यहाँ से मैं 5.5 का लूंगा और यहाँ पर लेके ऐसा आर्क बनाऊंगा, आर्क बरोबर, और यहाँ पे क्या करेंगे 4.5 का लेके ऐसा आर्क बनाओगे, बरोबर ऐसा बना दो, और यहाँ पर इसको क्या करने का ज्वाइंट कर देना, अभी ज्वाइंट हुआ नहीं, अभी जबरदस्ती कर रहे सर ना बता रहा हूँ ना, यहाँ पर ये ए हो गया, तो इधर क्या आएगा 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। एक बात बताओ क्या सर, बताओ सर आपका रफ फिगर तो अच्छे वाले से ज़्यादा अच्छा है, मतलब रियल फिगर से तो रफ फिगर अच्छा लग रहा है। अरे यार ठीक है ना, तुम लोग मैनेज करो ना, इतना तो सर को समझ ही सकते हो। ये क्या आएगा 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर का लाइन बना दो, 4.8 सेंटीमीटर का, और फिर क्या आएगा फिर से 4.4 लो, 4.4 स्केल से मेजर करो 4.4, इधर से एक आर्क बनाओ, इधर से और इधर से 3.6 का आर्क बनाओ, यू विल गेट योर फाइनल आंसर यहाँ पर। लेकिन याद रखना मार्क्स कटना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ जो जो निकाला ना उसको लिखो, ऐसा 3.6 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। चलो अब टाइम आ गया कि तुम लोगों में इसी को एक बार, ये कैलकुलेशन मैंने भी किया वहाँ पर, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि एक बार देखते पेपर पे, अगर नहीं रहेगा तो वीडियो को भगा के सेकंड वाला सम देखना। BC का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, चलो 6 सेंटीमीटर बनाते हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों को एकदम ध्यान से देखना है 6 सेंटीमीटर, पहले हमेशा बेस बनाते ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर बना दिया 6 सेंटीमीटर, देखो तुम्हारे सामने जो है तुम्हारे सामने बनाऊंगा, ताकि मेरे बच्चे को लगे कि यार मैं बोर्ड पे सिखा रहा नहीं हूँ, मैंने सब वीडियो बोर्ड पे बनाया लेकिन ये वाला वीडियो पता नहीं ऐसे मन किया। अच्छा AB का वैल्यू क्या है 5.5 सेंटीमीटर, तो स्केल से नहीं मिल लेना है इसको,
जब भी साइड की बात करोगे ना, ऐसा साइड और ऐसा साइड दिया गया है, तो राउंडर से लेना है। तो ये क्या है, 5.5। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 5.5 किधर गया भाई, आजा 5.5। अब देखो क्या करना है, ये लिखा, ये देखो तुम लोगों को दिखता रहेगा स्केल में, थोड़ा बहुत मैनेज करो। देखो यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 5.5। तो इधर से इधर 5.5 दिख रहा है ये सबको, यस और नो। अब ये आ जाएगा ऑब्वियसली बी और सी इधर है तो ए ऊपर होएगा। अब ये इधर से भी कितना है, 4.5। 4.5 मतलब क्या आएगा, ये लिखा, ये बराबर है। देखो तुम्हारे सामने वीडियो का लेंथ मत देखो प्लीज, यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर। अब इसको लेके हमने ऐसा कट कर दिया, ये क्लियर हो गया। ऐसी साफ डायग्राम बनना चाहिए तुम लोग का। अब इसको पॉइंट बना दो और एकदम डार्क में, देखो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट ये पॉइंट को पकड़ो और यहाँ पर आएगा, देखो ऐसा आ गया ये। ओके, फूक मारते जाओ बस, देखो अच्छा दिखेगा यहाँ पर, और ये आ गया ऐसा। तो ये तुम लोग का हो गया ए बी सी, ये क्या हो गया तुम्हारा ए बी सी। अगर फेयर डायग्राम है तो देखो इसको लिखो 5.5 सेंटीमीटर, इसको लिखो 6 सेंटीमीटर और इसको लिखो 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रियल डायग्राम है, इसको भी देखो ये जो पार्ट है ना इसको इधर बना सकते हैं और लिखने का रफ फिगर। अब जैसे ये वाला बनाया, मुझे लगता है मेरे हर एक बच्चे लोग यहाँ पर जैसे ये देखो सबसे पहले क्या करोगे, 4.8 सेंटीमीटर। चलो चलो डरने का नहीं, डरने का नहीं, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर देखो 4.8 मतलब ये इधर आएगा 4.8 इधर और ये आया 4.8। तो यहाँ पर अच्छा नाम क्या है इसका, एल एम, क्या नाम है, एल एम एन, एम एन। अच्छा ये साइड में क्या है, ये साइड में क्या है, हमने डिसीजन लिया है 4.4, क्या आएगा 4.4। अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे लोग सोच रहे सर 4.4 ऐसा मारूँ फिर 3.6 ऐसा मारूँ, तो गलत सोच रहे हो। मैंने तुम लोग को बता दिया 4.4 को राउंडर से लेना है। तो यहाँ पर 4.4 दिख रहा है यहाँ पर, चलो ये हो गया 4.4। एक बार वापस मैनेज कर ले तो तुम्हारे सामने ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग बोलेंगे सर पहले से राउंडर करके रखा नहीं। मैं एज अ एक नॉर्मल स्टूडेंट जो सोचता है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आएगा 3.6 भाई आजा, 3.6 किधर है, ये देखो ये 5 है, ये 6 है और यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा वीडियो को भगा के देख सकते हो, हाँ यहाँ पर ये 3.6, तो ये आ गया 3.6। तो अब क्या करना है, हमेशा दो पेंसिल कैरी करो, एक राउंडर के अंदर लगा रहना चाहिए, एक देखो जैसे मैंने बाजू में रखा है, और यहाँ पर ये आएगा, टिक कर दिया और इसको टिक कर दिया मतलब ज्वाइन कर दिया। ले भाई चल आ जा, तू भी आ जा, चल 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 भाई 100%। यहाँ पर आएगा एल एम एन, अब इसको भी लिख दो 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आएगा 4.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर आएगा 3.6 सेंटीमीटर। नोट करने वाली बात ये है, इस फिगर में कोई भी पेन यूज़ मत करना, कोई भी मत यूज़ करना पेन। तो ऐसा लिखना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन से। नाउ अब चीज़ें समझते हैं, ऐसा लिख दो बस, और अगर कोशिश तुम्हारी अच्छी रहेगी, तुम लोग को टाइम मिला तो इसको एक बॉक्स में बनाओ, बॉक्स में अच्छा दिखेगा। देखो ऐसा बना दोगे तो अच्छा दिखेगा, हमेशा ट्राई करो एक बॉक्स में बनाने के लिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर तो ये अपना पहला सम होता है, लेकिन स्टिल तुम लोग में से कुछ बच्चे लोग सोच रहे होंगे साला ये क्या है, BC upon MN। बताओ BC क्या दिख रहा है, BC क्या दिख रहा है, BC अगर तुम लोग देखोगे तो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, बरोबर है, और ये क्या दिख रहा है, 4.8 सेंटीमीटर दिख रहा है। अगर तुम लोग को सीखना रहेगा, देखो मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरे बच्चे रट्टा मारे। BC का वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, और MN का वैल्यू कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये इसका वैल्यू है, लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने BC अपॉन MN लेने का कोशिश किया तो क्या होगा, देखते हैं। BC क्या है 6 और MN क्या है 4.8। अच्छा मुझे बचपन से सिखाया था कि भाई ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया करो, तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 60 और ये हो जाएगा 48, दोनों ही 12 के टेबल में कटेंगे, 12 5 12 4। इसलिए हम लोग बोलते हैं BC अपॉन MN का वैल्यू क्या है, 5 upon 4। तो इट डजेंट मीन कि BC का वैल्यू 5 है, जबकि BC का वैल्यू क्या था, 6 सेंटीमीटर। होप सो जो बाकी चैनल ने नहीं बताया रहेगा, इधर से तुम लोग को आइडिया लगा रहेगा। जब जब रेशियो देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि BC दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि BC का वैल्यू 5 है, समझ पा रहे हो, ये कोई वैल्यू होगा कटाकुटी हो के 5 upon 4 आ रहेगा। तो होप सो पहला सम भी क्लियर हो गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, तू नहीं पहले डिसाइड किया, 1 और 3 सेम है तो पहले 3 को डिसाइड करते हैं अपन। क्या लिखा, ट्रायंगल RST सिमिलर है ट्रायंगल XYZ से, ठीक है सर, अभी बोलो यहाँ पर। अच्छा टाइप 1 है या टाइप 2 है, सिमिलर है तो इसका मतलब ये क्या है, देखो जरा मेरे हिसाब से टाइप 1 है, तुम लोग के हिसाब से सर टाइप 1 ही है। डेटा किसका दिया, RST का दिया है, वो सब तो ठीक है। पहले बोलो ये दोनों अलग अलग बनेंगे या एक के अंदर एक बनेंगे, अलग अलग। अब मुझे ये बताओ ट्रायंगल बड़ा कौन सा है, RST वाला या XYZ। सर रुको, RS 3 है, XY 5 है, बरोबर,
आर एस थ्री है, एक्स वाई क्या है, फाइव। अब एक्स वाई फाइव है मतलब ये बड़ा, मतलब ये पांच बड़ा, मतलब एक्स वाई बड़ा, एक्स वाई बड़ा मतलब एक्स वाई जेड बड़ा रहेगा, एक्स वाई जेड बड़ा रहेगा। पहले कौन सा है, ये छोटा और ये बड़ा, तो ये छोटा और ये बड़ा, तो यहाँ पर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, अपनी मर्जी है जैसा चाहिए वैसा, बराबर। ये चीज हमेशा एक ट्राई किया करो, मैं तुम लोगों को जो सजेशन दे रहा हूँ ना वो करो। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, शायद रेड से नहीं दिखता रहेगा तो ब्लू से। मेरा सजेशन ये है, ये देखो ये छोटा हो गया ना, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। देखो जो मैं बोलने वाला हूँ ये चीज़ समझो गाइस, हमेशा तुम्हारा ग्राउंड का लेवल जो है ना सेम होना चाहिए, समझा। ये एक टेक्निक है कि एक अच्छा मार्क्स प्रेजेंटेशन के लिए। तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, आर एस टी, आर एस टी। अच्छा दूसरा वाले का नाम क्या है, दूसरा एक्स वाई जेड, एक्स। गाइस गलती से भी वाई इधर नहीं लिखना, तुमने डिसाइड किया आर एस टी तो एस के सामने क्या आएगा, वाई, तो ये वाई और ये सैड। मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड। ओके देखो सेम साइज, सेम साइज तो ऊपर छोटा बड़ा ट्रायंगल है। अब देखते हैं आर एस का वैल्यू कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। और देखो ये क्या दिया, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, ये जिसका एंगल दिया वो क्या है, एस है, मतलब ये कितना दिया, 40 डिग्री। ओके एच टी, एच टी कितना है, 5.7 सेंटीमीटर, बराबर है। अच्छा इसमें क्या दिया, दो साइड एक एंगल, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है, एग्री कर पा रहे हो। मतलब ये इससे लेना देना नहीं है, ये देखो ये डिसीजन होता है रफ फिगर का इंपॉर्टेंस है। अपन बोला ना महाराष्ट्र बोर्ड, पहला रियल डायग्राम उसके बाद रफ फिगर, नहीं ये इंपॉर्टेंस होता है। देखो ये चीज़ देखो, हर टीचर कोई रफ फिगर बनाओ और रफ फिगर के नीचे लिखो रफ फिगर, क्या लिखोगे, रफ फिगर। इसका मतलब ये नहीं कि स्केल वगैरह यूज़ नहीं करोगे, इसमें भी स्केल वगैरह यूज़ करो, ऐसे बनाया ऐसा बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा, कैलकुलेशन। सर टाइप वन है तो कैलकुलेशन तो लगेगा भाई, बोलो। ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर है किससे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड से, बरोबर है ये चीज। अब क्या आएगा, सी एस एस टी वाला, सर क्या आएगा, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड। सर रीजन क्या लिखो, सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। ये फुल फॉर्म में लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, मैडम फिदा हो जाएगी, घर पे आ जाएगी तुम्हारे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लिखो चलेगा यहाँ पर। बट आर एस अपॉन एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 3/5। अगर इसका रेशियो, ये देखो दोनों का रेशियो, हाँ आर एस अपॉन एक्स वाई का रेशियो 3/5, तो ये भी क्या रहेगा, 3/5। क्यों, अरे सबका सब इक्वल है ना भाई, तो देर वोर वोट क्या हो जाएगा, चलो देर वोर आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एच टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू 3/5। बोलो ये क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, आर एस का वैल्यू, बोलो आर एस का वैल्यू 4.5, एक्स वाई, एक्स वाई तो फाइंड आउट करना है सर, एच टी का वैल्यू, एच टी का वैल्यू, एच टी, एच टी, एच टी किधर है भाई, एच टी 5.7 और ये वाई जेड, बराबर है सर। आर टी, आर टी, आर टी, आर टी, आर टी, अबे सर आर टी से लेना देना नहीं है, तो हटाना इसको, ले ही मत पिक्चर में, अरे बोल चलेगा ये नहीं, इसको लो ही मत, यहाँ पर 3/5 और लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, मैंने क्या लिखा, ये दोनों से क्या ही लेना देना, अरे इसका डेटा रहेगा तभी ये मिलेगा, इसका डेटा रहेगा तभी ये मिल जाएगा इसका डेटा, अरे बोलो एग्री कर रहे हो, चलो मतलब दो ही बार मेहनत करना है। चलो एक पहले तो कपल बनाने वाले हो आप, ऐसा और एक ऐसा, बरोबर है ये चीज। तो यहाँ पर तो ऐसा एक बिंदी बनाओ, मस्त दिखता है ऐसा बिंदी बनाने से, 4.5 अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। बोलो एग्री कर रहे हो, सेम सेम करना है क्या सर, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई इंटू 3, मतलब एक्स वाई इंटू 3 बोलो या 3 इंटू एक्स वाई, अरे एक ही बात, चल तेरी बात मान लेता हूँ सर, एक्स वाई हम लोग का फ्लो मत तोड़ो सर, हम लोग गरीब बच्चे, देख इधर कन्फ्यूजन आने का चांस है, हाँ ये समझा, 4.5 इंटू 5, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली लिखते हैं, उन लोगों को हाथ बैठ चुका है, जैसे मैं सेकंड वाले समय ट्राई करूंगा। यहाँ पर 3, देखो तुम लोगों को एक पते की बात बोलता हूँ, ये 3 और 4.5 कटेगा, सर कैसे मालूम पड़ा, 4+5 कितना होता है, 9, जब जब प्लस करने के बाद अगर 3 के टेबल में आ रहा है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर बताओ ये 3 से कटेगा या नहीं, 3+1 4 4+4 8, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन यही चीज़ ऐसा लिख देता हूँ, चलो बोलो अभी ये क्या आ रहा है यहाँ पर, चलो यहाँ पर 3+7 10 10+4 14 14+1 15, मतलब ये 3 से कटेगा, अरे समझा ये नहीं समझा, ऐसा जजमेंट होता है बचपन वाला प्यार है और कुछ नहीं। 4 और 5, देखो ये तो नहीं कटेगा, लेकिन 4+5 9, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो कटना तो भाई, अगर नहीं जमता तो तेरे लिए ऑप्शन दिया है, इधर से डायरेक्टली कट कर, अगर डायरेक्टली जो बच्चा कट करेगा ना तो उसका आंसर आएगा 1.5, अरे समझा। अब जो बच्चे को कट करने नहीं आता वो लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 20 20 22, तो ये आ गया ऐसा, तो यहाँ पर 2 2.5 अपॉन में क्या आ गया 3, बरोबर ये चीज एग्री कर रहे हो। अभी अगर तुम लोग 10 से मल्टीप्लाई करने वाला जमता है तो करो, या फिर देखो टेक्निक ये रहेगा 3 3 7 21, बरोबर है ये 1,
ये पांच गिरने से पहले पॉइंट आ रहा है, ये पांच गिरने से पहले पॉइंट, तो पॉइंट डाल देने का। फायसा एक नॉर्मल स्टूडेंट जो सोच रहा, मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, एक ये चीज़ याद रखना है, एक टॉपर लोग तो कैसे भी कर सकते, इधर से काटाकूटी। अरे भाई, अपन टॉपर नहीं है, अपन टॉपर नहीं है, अपन गरीब लोग, एवरेज स्टूडेंट, कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में। यहाँ पर अभी बोलो 5.7 अपन वॉट वाई जेड इज इक्वल टू वॉट 3/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलो माइंड में करो जरा, वाई जेड इंटू 3 इज इक्वल टू 5.7। बरोबर ये चीज, मतलब 3 इंटू वाई जेड इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5। वाई जेड लिखा, हाँ सर, 5.7 इंटू 5, आप वन में क्या लिखोगे, 3। बरोबर है बच्चा, चल मेरे को बताइए ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 5+7 कितना होता है, 12, मतलब ये 3 से कटेगा। चलो इस बार ये करते हैं ना, अपनी मर्जी है, वैसा तो तुम लोग को सीख रहे हो, यहाँ पर तुम लोग अभी सीख मतलब किसी को सिखा नहीं रहे हो, सीख रहे हो तो सीखते ना यार, अलग अलग अप्रोच लाइफ में। जिस तरह याद देखो, 3 3 1 3, सर 2 बचा, सर 7 गिरने से पहले पॉइंट है तो पॉइंट लिख देना, और यहाँ पर 7 9 सा, तो यह आया वाई जेड इज इक्वल टू 1.9। आगे लिखो सेंटीमीटर। अरे बोलो, एग्री कर रहे हो? हाँ या ना? मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, मेरे को जो ये है ना, ये डेटा मिल गया, एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला, एक्स वाई का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। नोटिस कर पा रहे हो मैंने कैसे लिखा? अब वहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन मार्क मत लिखना, उतने जगह छोड़ना और रफ फिगर में भर देना। अब वाई जेड कितना है, वाई जेड 1.9 सेंटीमीटर। सर इसका एंगल का क्या सीन है? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाई सिमिलर ट्राइंगल के एंगल भी सेम ही होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब डायरेक्टली कुछ लिखना नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, रेशियो नहीं रहेगा, आर एस टी इक्वल है एंगल एक्स वाई जेड से। रीजन क्या लिखोगे, जैसे इसको लिखा था करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रैंगल, अब क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रैंगल। अरे एंगल की बात हो रही है ना यार, अरे बरोबर है, देयरफॉर बट एंगल आर एस टी का वैल्यू कितना है, आर एस टी का वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है, 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या आएगा, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू भी क्या होगा, 40 डिग्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब यहाँ पर ये 40 डिग्री, ये पिक्चर में कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब कोई ना कोई टेस्ट यूज करेगा, या तो SAS, SSS, या तो डबल, देख के क्या मालूम पड़ता है, दो साइड के बीच में एंगल है ये 100%। जो भी ट्रायंगल है, जिसने भी प्रूफ करेगा, ये SAS के थ्रू ही होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब चलो, अब बात आ गई यहाँ पर फिगर बनाने का है, इसका डायग्राम किस तरह बनाएंगे। भाई कुछ नहीं, एकदम लल्ला है भाई, बोलते ना सबसे ईजी अगर तेरे लाइफ में है तो यही है। सर क्या करेंगे बताओ, चल ये बता, ये देखिए छोटा डायग्राम है ना, यार मैंने कुछ गलत बनाया है, ये मेरे को लग रहा है कुछ गलत बनाया है, एक्स वाई, अच्छा ये बड़ा ही ट्रायंगल है। मैं सोच रहा कि यार ये देखो ना, ये गलत है क्या, गलत है कुछ नहीं, नहीं कुछ गलत नहीं है, तुम लोग अपना सॉल्व करने का अपने आप आंसर आएगा, प्लीज़ एक बार देख लो। सो गाइस, एक गलती तो हो गया, तुम लोग ने नोटिस नहीं किया, चलो मेरे से गलती हो गई, अरे इंसान ही हूँ ना, टीचर भी तो एक इंसान होता है, ये गलती किया ना सर, डिवाइड करने के बाद आपने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे देखो ना, इसको डिवाइड किया ना तो मेरा 1.9 आया, और 1.9 को 5 से मल्टीप्लाई भी करते, बरोबर है, क्या होता है 5 45, यहाँ पर 5 1 5 9, तो ये आएगा 9.5। तो गाइस ये गलती हो गया था, तो सर आपको कैसे रियलाइज हुआ, आपके सामने डाइजेस्ट है, बुक है, टेक्स्ट बुक है, कुछ नहीं, मेरे सामने एक मेरा छोटा सा टैब है, टैब छोटा बोल दिया, अरे छोटा ही है, मिल गया, बहुत पैरवीर पढ़ना पड़ा माँ बाप का तब जाके मिल गया, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये कि सर आपने कैसे रियलाइज किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फिगर, मैंने ये देखा कि भाई ये जो है, ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, तो कैसे, अगर ये 4.5 तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये 5.7 है तो ये ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, इसके वजह से, तो थैंक्स टू व्हाट आशीष सर ने, थैंक्स टू दिस फिगर, रफ फिगर के वजह से। इसलिए मैं बार बार बोलने का ट्राई करता हूँ कि इंपॉर्टेंस समझो, रफ फिगर का इंपॉर्टेंस समझो, प्लीज़ इंपॉर्टेंस समझो, ये ऐसा छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, जो भी बोलता है पहले लोग बोलते हैं रफ फिगर बनाओ, कल के दिन तूने फेयर डायग्राम बना दिया और रफ फिगर नहीं बनाया तो उसका मार्क्स कटेगा, ये मैं बता सकता हूँ, समझ रहे हो, तो अभी याद रखना। चलो अच्छी बात है, देखो मेरे को खुद को रियलाइज हुआ, अच्छा रफ फिगर का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले तो इंपॉर्टेंस मालूम था, अभी वेरी इंपॉर्टेंस पता चल गया, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर हो गया सॉल्व, नहीं चलो ST 5.7 सेंटीमीटर, फिर क्या करोगे, अभी प्रीवियस में तो दो साइड था, तो आपने क्या किया था देखो ना, ऐसा कट किया था, इधर से कट और इधर से कट, लेकिन इस वक्त इधर से तो कट हो जाएगा, इधर से कट करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डी दिखता है, डी तुम्हारे लाइफ में, यहाँ पर जीरो, ये देखो 0 10 20 30 40 ऐसा दिखता रहेगा, तो यहाँ पर रखो ऐसा डी, ये डी ऐसा रखो, और 40 जिधर आ रहा है ना उधर से एक मस्त वाला लाइन बना दो। अरे बोलो समझे कि नहीं समझा,
तो इधर लिखोगे 40 डिग्री। बोलो ये क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, अब बनाना 4.5 सेंटीमीटर का ले और इधर से ऐसा बना। अच्छा रफ फिगर में 4.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा बनाओ, एग्जैक्ट ये है वो नहीं है। मालूम पड़ा वहाँ पर बोल रहे सर 4.5 सेंटीमीटर उधर भी इधर भी, ऐसा नहीं है। उधर कैसा भी बनाओ लेकिन सिर्फ लिखो 4.5 सेंटीमीटर, इधर एग्जैक्ट बना रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर, बरोबर है ये चीज। अब इस ये जो जॉइंट हो गया देखो, ये क्या है एस है, ये क्या है टी है, ऑब्वियसली एस और टी है तो ये आर होगा। अब क्या करना है सिंपल, इसको और इसको क्या करना, प्यार मोहब्बत से ज्वाइन करना है, बरोबर। डेटा लिखो 4.5 सेंटीमीटर, अगर एरो ज़्यादा बना दिया तो ऐसा लिख दो, बरोबर, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, ये चीज़ याद रखना। अगर ऐसा ज़्यादा बन गया ना तो मिटाओ मत, रफ कर देंगे तो डायग्राम गंदा दिखता है, तो एरो बना देने का, ये क्लियर रहेगा। अभी सेम मुझे लगता है हर एक बच्चा इसको ट्राई कर सकता है। ये ऐसा 9.5 सेंटीमीटर, फिर इधर से 40 डिग्री ले लो, बरोबर है, और इधर से क्या करोगे इसको ज्वाइन कर दोगे, बरोबर। ये 7.5 थोड़ा बड़ा बनेगा, मालूम पड़ा छोटा ही बना रहे हो, ओके ये हो गया 9.5। ऐसा ट्राई करो, और इसको भी है ना यहाँ पर एक डब्बा बना दो, देखो ऐसा करो तब जाके तुम लोग को 4 में से 4 या 3 में से 3 मिलेगा। तो गाइस टाइप 1 तो खत्म होता है, लेकिन स्टिल मैं इसको एक पेपर पे बना के दिखाता हूँ, तब तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ गाइस, उस वीडियो के बाद अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये बोलना एक मतलब परंपरा बन गया यार, क्योंकि हमारा वीडियो फेमस नहीं है। मैं तुम लोग को फैक्ट बताऊँ, हमारा वीडियो फेमस नहीं है, हमसे बड़े बड़े चैनल आ गए, लेकिन ये जो वीडियो का कंटेंट है शायद अनमैचेबल होगा। तुम लोग खुद से डिसाइड कर लो कि उनका वीडियो का कंटेंट अच्छा है या हमारा। मैं तुम लोग पे छोड़ता हूँ, ये मैं खुद नहीं कंपेयर करना चाहता, मैं तो मेरे बच्चे कंपेयर करें, वैसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, बस स्टिल हमारा वीडियो को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समझ रहे, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग ही सपोर्ट करो। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद ऐसा डायग्राम बना लेता है। एस टी कितना है 5.7 सेंटीमीटर, तो तुम लोग को फटाफट स्किल से ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर। ओके 5.7 के बाद आप क्या करोगे, यहां पर देखो ये हो गया एस टी, अब मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, ये 5.7 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट, अब तुम लोगों को यहाँ पर 4.5, प्रीवियस में कैसा दो साइड था, ये भी साइड था, ये भी साइड था, तो हमने क्या किया राउंडर से ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, बरोबर है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो सर राउंडर से ऐसा बना दोगे तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मारने के बाद हम लोग इधर मारते थे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता था, बरोबर है ना। यहाँ पर देखो, ज़रा यहाँ पर देखना, ये इसको लेके ऐसा मारते थे और यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पॉइंट इधर से भी मारना पड़ता था, बरोबर है। इस वक्त तुम लोग के पास क्या है, एक ही साइड का डेटा है, मतलब 4.5, तो एंगल तो दिया है ना 40 डिग्री। चलो 40 डिग्री बनाते हैं। अभी 40 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर दिखता रहेगा। अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये एकदम सेंटर में होना चाहिए। देखो बच्चे लोगों को कोई कोई का ना एंगल बन नहीं पाता, तो यहाँ पर 40 डिग्री एकदम लाइन पर होना चाहिए। ओके एक चीज़ नोटिस करना है, जब मैं इधर बात करूँ ना, देखो लाइन इस साइड है, तो इधर से 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, समझ रहे हो। अगर इधर से बना देता है खुदा ना खास्ता कल के दिन यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा, तो ये इसको इधर रखने का, इसको इधर रखने का, और ये वाला जीरो देखने का। देखो इधर रखा तो इस साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 0 डिग्री भी दिखता है, तब 40 डिग्री इधर आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया, फिलहाल के लिए मेरा 40 डिग्री इधर आया है, इसको मार्किंग कर लेते हैं। सेंटीमीटर तो बाकी है ना, हाँ बाकी है ना, एक काम करते 4.5 सेंटीमीटर का भी एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का। ओके यहां पर देखो 4.5 सेंटीमीटर का, देखो दिख गया। अच्छा सर कुछ बच्चे सोच रहे साला ये पॉइंट कौन सा, अरे ये पॉइंट अलग है यार, मालूम पड़ा उस पर चिपका दिया तुम लोग, वो पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है। ओके अब ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, इसको ज्वाइन कर देने का, इसको क्या करने का ज्वाइन कर देने का, बोले याद रहेगा तुम लोगों। और इधर से लिखने का 4.5 सेंटीमीटर, और इधर लिखने का 40 डिग्री, इधर एरो बनाने का, तो एरो बना दो, नाम दे दो एस टी हो गया तो आर हो गया, बोलो ये क्लियर रहेगा। तो मुझे लगता है हर एक बच्चा वैसे दूसरा वाला ट्रायंगल का भी डेटा बना सकता है। क्या करोगे 9.5 सेंटीमीटर, 40 डिग्री, फिर इधर से कट और नाम, तो इससे ही हम लोग का यहाँ पर पहले टाइप का सम्स कवर हो जाता है।